Hello my dear students, this is Anshuman Sishatak, your physics teacher, and welcome to my YouTube channel Chatak Physics. Again welcome to all the class 11 students, those who are going to study plus two first year this year. Jo pila mane mo sahito associate acha, mo teaching sahito associate acha, Sai Krupa रेसिडेंशियल कॉलेज या भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज या एनी अदर स्टूडेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस और ओवर उड़ीसा हु आर एसोसिएटेड विथ माई टीचिंग. सो ए ग्लैड वेलकम टू ऑल अगेन टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. वी हैव कंप्लीटेड सर्टन पोर्सन, किसी पोर्सन आम कवर कर सारी मोशन इन स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन, सम टर्म्स आम डिस्कस करते, वन डायमेंशनल मोशन रो कॉन्सेप्ट कौन, डिस्टेंस कौन, डिस्प्लेसमेंट कौन. रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आम तार डिफरेंस पार्थक्य दर्शाओ भी पढ़ते, आउ किसी क्वेश्चन भी करते, गोटे कि दुईटा प्रॉब्लम्स करते जोटा टी आनालीटिकल प्रॉब्लम जोटा आमको भाग पड़ो. आई होप तुम मैंने सब लास्ट लेक्चर देख सारी, जो मैंने देखी ना लास्ट लेक्चर देखला थर्ड लेक्चर को आस, अदरवाइज तुम किसी बुझीपर फाइन. सो let's go back to study. So students, aji ira class re, in this lecture number 3 we will discuss distance and displacement. Already ta discuss kari sarche. So aji ra pathar ame padhiba distance saita speed ra relation kon, ta speed kon ame padhiba, okay. Samiti velocity kon ame padhiba, acceleration kon ame padhiba. ये तीनटा जिनस को आम कौन कहे एक्जाक्टली यहाँ ओडिया अलरेडी तुम स्कूल में पढ़ी सारे आम रिलेट कर दूसरी ऑटोमेटिकली तुम मन पड़ज से जिनसटा कौन. स्पीड को तुम ओडिया पढ़ी जोटा को कहुए बेग. सिमिलरली वेलोसिटी को पढ़ी परिवेग. एक्सेलरेशन सेमती पढ़ी जहाँ को आम कहे ओडिया त्वरण. तो ये सब जिनस ऑलरेडी तुम्हें स्कूल में पढ़ी सारिछ. सेकंड टॉपिक रे आज पढ़ा आज क्लास रे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कि नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कौन, सब आड़े समान. तुम यहाँ ओडिया रे पढ़ु मन पका समान तराल, समान तराल गति यूनिफॉर्म मोशन. सो ये सब पाठ विषय नॉन यूनिफॉर्म गोटे समातरा हम ना है. तो ये जिनसा कौन यूनिफॉर्म मोशन कौन से विषय आम जाना. नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन डिटेल पाठ विषय पढ़ा. मोशन वैरायटी कॉन्सेप्ट विषय पढ़ा, गति रे कौन हो वस्तु गति कले कौन हो सब जिन विषय जाना. तो पाने जो पाठटा को आम पढ़ुचे ये पाठटार मेन यूनिट है, जो यूनिट अंडर ये सब पाठ आसूँ वन डायमेंशनल मोशन से पाठटा को आम कहे काइनेमेटिक्स. कौन कहे पे काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स अर्थ कौन, ये काइनेमेटिक्स पाठर एक्चुअली कौन कौन आम पढ़ा बा कौन कौन जिनस सब अच्छे बुझिपार. तो काइनेमेटिक्स एमती गोटे पाठ फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स. काइनेमेटिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ रेस्ट मोशन. मोशन आउ रेस्ट विषय रे जो पाठर आम पढ़ा फिजिक्स रो सही ब्रांच टा को आमे कहुचे काइनेमेटिक्स. आउ किछ जिंस अछि केवल अतिकि कहिबानी विदाउट नोइंग और एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन. बुझल पे गतिर कारण विषय न जानिकी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन आम
जदि गति आ स्थिरता विषय पढ़ले जो पाठ पढ़ा फिजिक्सर फिजिक्सर से पाठटा को आम कह काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ रेस्ट मोशन, रेस्ट एंड मोशन भी कही परिबा, विदाउट नोइंग और विदाउट एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन, गतिर कारण विषय न जाने आम पाठ गुटा पढ़ा कहीं वस्तु गति करुच्छे, गोटे वस्तु रेस्ट रु मोशन को केमी जा गोटे वस्तु मोशन रु रेस्ट को केमी आसूची कौन पाई आसूच से विषय आम जानवानी, आम जाना कौन वस्तु स्थिर अवस्था गतिशील अवस्था को गले कौन हो तार बेग बढ़ुच, गतिशील अवस्था स्थिर अवस्था को आसे कौन हो तार बेग कमुच है कितु कहीं कमुची से विषय आम जानवानी तेनाली पढ़ा ह्वाट इज हापेनिंग कौन घटुची से विषय जानवा कहीं घटू से विषय आम जानवर ए पाठ से आमको देखना ताकि जो पाठ अच्छी आम कह डायनामिक्स से पाठटा को आम कह डायनामिक्स। सो काइनेमेटिक्स आम जान लो व्हाट इज हैपनिंग कौन घटू, डायनामिक्स आम जाना व्हाई इट इज हैपनिंग कहीं घटू, स्थिर वस्तु रु गतिशील अवस्था को वस्तु जाउची गले कौन होउची, स्थिर रु गतिशील गले कौन होउची, केते बेग बढ़ुची, केते दूरता अतिक्रम करुची, केते समय लगुची, ये सब जिन जाना गतिशील रु स्थिर आसिले कौन होउची विषय सब जानले, किंतु गोटे स्थिर वस्तु कहीं गतिशील हुए गोटे गतिशील वस्तु कहीं स्थिर हुए से विषय आम जाना ना से विषय जो पाठ पढ़ा कह डायनामिक्स। सो पे जापार काइनेमेटिक्स पाठर आम कौन कौन जानले, डायनामिक्स पाठरे आम कौन कौन जानले, काइनेमेटिक्स रे आम जानवा स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन, किंतु डायनामिक्स रे विथ कॉज ऑफ मोशन आम पढ़ा जानपर चाहे जहाँ प्रथम टॉपिक आम लिखीजे बेग जोड़ा स्पीड, व्हाट इज स्पीड, गोटे बॉडी, गोटे बॉडी किछ डिस्टेंस कवर करुछ, सपोज एटा गोटे पॉइंट ए एटा गोटे पॉइंट बी, ए रु बी भितर गोटे बॉडी किसी दूरता कवर कला कि दूरता ये दूरता है कि आम बैंड कर देख ए रु बी भितर ये दूरता वस्तु ए रु बी भितर विस्थापन यहाँ दीटा देखु एक नंबर पाथ दुई नंबर पाथ, एक नंबर पाथटा है डिस्टेंस जानपर च, दुई नंबर पाथ रहा डिस्प्लेसमेंट पे सहजरे जान पार। तो दूरता बाय समय केते दूरता अतिक्रम कला ताकू केते समय लगला सेटा तार बेग, मन कर दस किलोमीटर दूरता अतिक्रम कला हला ताकू अध घंटा समय लगला एतिक आवर ताले वेग केते स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम 10 किलोमीटर बाय 1 बाय 2 आवर, किलोमीटर पर आवर रे बाहर करबा वेग ताले एटा हि जो केते 20 किलोमीटर पर आवर ता माने घंटा प्रति से 20 किलोमीटर वेग रे जाउ छी हला कि ताले ए वेगटा को हमें कहि परबा, वेगटा को हमें कहि परबा एकक समय रे केते दूरता जाउछ, एकक समय रे केते दूरता सेटा हला तर स्पीड बा बेगो कहबा इंग्लिश रे स्पीड कहू छ हा ना नै, एकक समय रे केते दूरता जाउछ हला ताले दूरता बाय समय इंग्लिश रे सेटा कहबा डिस्टेंस कवर्ड इटा जानपर पे थोड़ा इंग्लीश ये कह डिस्टेंस कवर्ड स्पीड टाक आम कह देख मुझे लिखुच स्पीड डिस्टेंस कवर्ड यहाँ आम डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एकक समय रे केते दूरता अतिक्रम गला सेटा है तार बेग है कि समिति। अच्छा दूरता गोटे अदिश राशि स्कालार क्वांटिटी जार दिग ना
ତାହେଲେ ବେଗ ବି ଗୋଟେ ଅଦିଶ ରାଶି ଆସିବ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତେଣୁ ସ୍ପିଡ୍ ଗୋଟେ କି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସ୍ପିଡ୍ ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ସ୍ପିଡ୍ ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପିଡ୍ର ଏକକ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ସ୍ପିଡ୍ର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? ସ୍ପିଡ୍କୁ ଆମେ ଭି ବୋଲି ଲେଖିବା, ଦୂରତାକୁ ଏସ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ସମୟକୁ ଟି। ଭି ସମାନ ଏସ୍ ବାଇ ଟି, ଭି ସମାନ ଏସ୍ ବାଇ ଟି। ତାହେଲେ ଏକକ ଯେଉଁଟା ମାପିବା, ୟୁନିଟ୍ ମାପିବାର ୟୁନିଟ୍ଟା କ'ଣ? କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକକ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାର ଏକକ କ'ଣ? ଏସ୍ ଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାର ଏକକ ହେଉଛି, ଲେଖିବା ଏସ୍ ଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏକକ ହେବ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ସି ଜି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାର ଏକକ ହେବ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ଏସ୍ ଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାର ଏକକ ଜାଣିଲେ ବେଗର, ସ୍ପିଡ଼ର। ସି ଜି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାର ଏକକ ଜାଣିଲେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଏମ୍ ବାଇ ଏସ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ସି ଏମ୍ ବାଇ ଏସ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଜାଣିପାରୁଛ, ବୁଝଉଛି? ତେଣୁ ବେଗ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବେଗର ଏକକ ଜାଣିଲେ, ବେଗର ଡେଫିନିସନ୍ ଜାଣିଲେ, ସ୍ପିଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉଥରେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ଡ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍, ଏକକ ସମୟରେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଏକକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ, ଏକକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଗ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବେଗ କ'ଣ ହେବ। ପରିବେଗ ଲେଖାଯାଇଛି ବିସ୍ଥାପନ ବାଇ ସମୟ, ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ କଲେ ବେଗ ହେଲା। ଦୂରତା କେଉଁଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦୂରତା କେଉଁଟା ଜାଣିପାରୁଛ? ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ, ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ ବାଇ ସମୟ ଯଦି କରିବା ପରିବେଗ, ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ହେଲା। କି ବିସ୍ଥାପନ ର ଦିଗ ଅଛି ନା, କାହିଁକି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ରହିବ, ଏ ଦିଗରେ, ତାହେଲେ ପରିବେଗର ବି ଦିଗ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ପରିବେଗଟାକୁ ଆମେ ଲେଖୁ ଭି ଉପରେ ଭେକ୍ଟର ଚିହ୍ନ ଦେବା, ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା, ମାନେ ଏଇଟା ଦିଗ ରହିଲା, ବିସ୍ଥାପନ ଏସ୍, ସମୟଟା ଟି ନେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଏହାର ଡେଫିନିସନ୍ ଲେଖିପାରିବା, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଭର୍ଡ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍, ଏକକ ସମୟ ପିଛା କେତେ ବିସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଭର୍। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା, ଯେମିତି ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ଡ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଭର୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍। ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତାର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, ଏକକ ଯେଉଁଥିରେ ମାପିବା ତାକୁ, ସମାନ ୟୁନିଟ୍। ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ଼ର ୟୁନିଟ୍ ଯାହା, ଭେଲୋସିଟିର ୟୁନିଟ୍ ସେଇଆ, କାହିଁକି ଏଠି କେବଳ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସ୍ପିଡ଼ ଆଉ ଭେଲୋସିଟି ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ, ଏଠି ବିସ୍ଥାପନ ବାଇ ସମୟ। ତେଣୁ ସମୟ ତ ସମୟ ରହିଲା, ଦୂରତା ବିସ୍ଥାପନ ଦୁଇଟା ଏକ ସମାନ, ସମାନ ମାନେ କେଉଁଥିରେ, ୟୁନିଟ୍ରେ। ଦୂରତାର ଏକକ ଯାହା, ବିସ୍ଥାପନର ଏକକ ବି ସେଇଆ, କେବଳ ବାଟଟା ଅଲଗା। ବୁଝିପାରୁଛ? ବାଟଟା ଅଲଗା, ହଁ ନା ନାହିଁ? କମ୍ପେୟାର କରିବ ମାଛ ଆଉ ମାଂସ, ଦୁଇଟା କାଇଁସ, ଦୁଇଟା କାଇଁସ କି ନାହିଁ, ଫରକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପାଣିରେ ରହେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ରହେ, ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ୟୁନିଟ୍ ସମାନ। ଏ ଦୁଇଟା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଭୌତିକ ରାଶି ଏମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଏକକ ସମାନ, ଭୌତିକ ରାଶି ଏହାଙ୍କ ଏକକ ହେବ ସେଇ। କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ବି ନେଇପାରିବା, ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ବି ନେଇପାରିବା, ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ବି ନେଇପାରିବା। ଜାଣିପାରୁଛ ହେଲା, ବୁଝଉଛି? ଦେଖିଲ ତ, ଆମେ ଯେହେତୁ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ୍ ପଢ଼ୁଛେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ କେଉଁ ମୋସନ୍ ପଢ଼ୁଛେ ପିଲାମାନେ, ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ୍ ପଢ଼ୁଛେ। ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ୍ ପଢ଼ୁଛେ ମାନେ ତା'ମାନେ ଏଇଟା ମୋସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ କନ୍ସେପ୍ଟ କ'ଣ?
मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ताले जदी मु स्ट्रेट लाइन मोशन कथा भाबीबी ताले गोटिए पाथ ना दीटा पॉइंट भीतर केतटा रास्ता स्ट्रेट लाइन माने से गोटिए रास्ता स्ट्रेट लाइन जदी स्ट्रेट लाइन देखिबा ताले गोटे स्ट्रेट लाइन पई डिस्प्लेसमेंट जोटा डिस्टेंस बे सेटा होना ने गोटे स्ट्रेट लाइन पई एई जदी मु जदी केवल एई रास्ताटा गोटिए अच्छी दीटा पॉइंट भीतर ताले डिस्प्लेसमेंट भी एटा डिस्टेंस भी एटा हला कि तणु वन डायमेंशनल मोशन क्षेत्र रे डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बुझि पारलो पिला माने अन्य को मोशन हबनी 2d रे हबनी 3d रे हबनी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट केवल स्ट्रेट लाइन रही जीव कर्व पाथ रे हबनी जत बंका पाथ रे हमें मोशन करैबा से त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समान हबनी ऑब्वियसली अलग आही जीव हला किंतु जदी स्ट्रेट लाइन मोशन देखिबा स्ट्रेट पाथ रे तने मोशन इन वन डायमेंशन जोटा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बुझि पारुछ जानियो छी तने जदी डिस्टेंस जोठी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन पचारा जीव व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रेशियो माने अनुपात डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट रो रेशियो केते व्हाट इज द रेशियो 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 मींस पिला माने ताको ओडिया रे कहो छे अनुपात रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समान हे गला रेशियो टा केते हबो 1:1 एक अनुपात एक जानि पारछ बुझि पारछ पिला माने केते सहज हो नेक्स्ट अच्छी जोटा एक्सेलरेशन बा त्वरण बोली हमें लिखि थी तो एक्सेलरेशन कहिले काहा को बुझो छे हमें पहला माने एक्सेलरेशन कहिले परिवेग विभक्त समय गोटे वस्तुर गति कला बेले केते परिवेग आसुछ जोटा बेग गति करछुटा को जो गाड़ी स्पीड रे जाउछ तो स्पीड टा को हमें जदि गोटे निर्दिष्ट दिग रे देखिबा हमें ताको स्पीड बदल रे वेलोसिटी कहिबा त माने स्पीड रो दिग आसी गले से हे जबो वेलोसिटी स्पीड टा हला कोन बेग जहार दिग नाही किंतु यदि विस्थापन बाय समय कर दउछे दिग पळे आसी तो दिग रहिले बेग रो दिग रहिले से हे जबो परिवेग खाली बेग बेग विथ दिग परिवेग हला ताले एक्सेलरेशन बा त्वरण कहिले गोटे वस्तुर परिवेग बा वेलोसिटीटा केते परिवर्तन होउछ बुझि पारछ मनकर तुम गाड़ी चलाउ छ 30 किलोमीटर पर आवर रे जाउछ गाड़ीटा को आउरी कोछ मोडुछ मोडिले तार बेगटा बढ़ुची आउरी जोर रे जाउछ कोनटा मोडुछ जोटा मोडुछ एक्सीलरेटर बा एक्सीलरेटर हला कि तनु तमे पिला माने किछ तक कहि दउछ थियो एक्सेलेटर बोली कहि दउछ हना नाही निहाती भाबे भाव तुमे कोन तक एक्सेलेटर बोली कहि दउछ हला एक्सेलेटर वाई लेटर सब किछ न ह सेटा होची एक्सीलरेटर हला कि एक्सेलेटर बोली कहि दउछ कि एमति प्रोनाउंसिएशन सब रहउछ हला कि एक्सीलेटर एमि सब वैरायटी प्रोनाउंसिएशन आसे बट एगुडा सब रॉन्ग राइट कोटा एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन जे कराए ताकू कहिबा एक्सीलरेटर हला कि तो गाड़ी रे एक्सीलरेशन करौची गाड़ी रो त्वरण करौची ता माने गाड़ी रो परिवेगटा को बढ़ौची गाड़ी जति कि परिवेग रे जाउची 20 रे जाउची ताकू 25 करची 30 करची 40 करची 60 करची एमिति बढ़ौची सेटा मोडीले बढ़ौची मोडीले हमे गाड़ी को त्वरान्वित करूचे गाड़ी रो गति ताकू त्वरान्वित करूचे त्वरान्वित करूचे माने तार वेगटा को बढ़ै दउचे परिवेगटा को बढ़ै दउचे तनु जे करूची ए कामटा जो जंत्रटी करूची गाड़ी लगा जे जो मोडीबा पई सेटा को हमें कहूचे एक्सीलरेटर बुझ पारछ त गुडा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन फर्दर आउ करिवो नाही हला एक्सीलरेटर जानि पारछ फाइन तो से एक्सीलरेशन ता को हम कहले त्वरण ओडिया रे सेटा होची परिवेग विभक्त समय केते परिवेग परिवर्तन होची हला कि बाय समय तो जत्ते परिवेगटा बढ़िबो सेते अधिक त्वरान्वित होबो हमें कहू छ तुम घर बाहर ला बेले कोइ जाउछ धीरे 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 एक्सीलरेटर ता को मोडी मोडी नउछ
ତାମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖେଇ ଆସୁଛ ମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ତାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ମିନ୍ସ ଆକ୍ସିଲରେଟରଟାକୁ ତମେ କମେଇ କମେଇ ନେଉଛ। ତ ଆକ୍ସିଲରେଟର ଯେତେବେଳେ କମୁଛି ତାମାନେ ବେଗଟା କମୁଛି, ପରିବେଗ କମୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଆକ୍ସିଲରେଟରକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ୁଛ ଯେ ବେଗ ବଢ଼ିବ। ତାମାନେ ଆକ୍ସିଲରେଟର ଦୁଇଟା କାମ କରିପାରିବ, ବେଗ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ପରିବେଗକୁ, ପରିବେଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ପରିବେଗକୁ କମେଇ ବି ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପରିବେଗ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ଆକ୍ସିଲରେସନ ଦୁଇଟା କାମ କରିବ, ବଢ଼େଇବା ଆଉ କମେଇବା, ବଢ଼େଇବା ଇନକ୍ରିଜ କଲା, କମେଇବା ଡିକ୍ରିଜ କଲା। ତ ବଢ଼େଇଲେ ଯେଉଁ କାମଟା ହବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସିଲରେସନ ହିଁ କହିବା, ଆକ୍ସିଲରେସନ ହିଁ କହିବା। କମେଇଲେ ଯେଉଁ କାମ ହବ ତାକୁ ରିଟାର୍ଡେସନ ବୋଲି କହିବା। ତୋରଣ, ଏଟା ଓଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ତୋରଣ, ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ, ଗତି ବଢ଼ିବ, ତୋରଣ। ଏଠି ଗତି କମିଲା ଏଇଟାକୁ କହିବା ମନ୍ଦନ, ପଡ଼ିଥିଲ ଓଡ଼ିଆରେ ତୋରଣ ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଦନ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ଏଇ ତୋରଣର ଏକକ କ'ଣ, ପରିବେଗ ବାଇ ସମୟରୁ ଆମେ ଏକକ ବାହାର କରିବା, ପରିବେଗର ଏକକ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ଏସ୍ଆଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏସ୍ଆଇରେ ହେଲା କି ସମୟଟା ସେକେଣ୍ଡ, ତ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ସିଜିଏସ୍ରେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ପର ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ହେଇଛି। ତୋରଣ ଜାଣିହେଲା, ମନ୍ଦନ ଜାଣିହେଲା, ତୋରଣର ଏକକ ମନ୍ଦ ଏକକ ସମାନ, ତୋରଣର ଏକକ ଯାହା ମନ୍ଦନର ଏକକ ସେୟା, ଜାଣିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ କହିପାରିବ, କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ପରିବେଗର ଏକକ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବିଭକ୍ତ ସମୟ ସେ ଆୱାର, ତାହେଲେ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରର ସ୍କୋୟାର। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଏକକ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା, ଭଲ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କରିବା, ମଜା ଲାଗିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ଫିଜିକ୍ସର ଏହାର ସବୁ ହଁ। ତ ସେଇଟା ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଆସିବ କନସେପ୍ଟ ସେତେବେଳେ କହିବା, ହେଲା? ବୁଝିପାରୁଛ? ଥରଲି ଦେଖ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ବି କରିବ। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ବଏ। ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ କ'ଣ ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ କହୁଛି, ଶୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛି ସମୟ କିଛି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ, ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବସ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କିଛି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗତି କଲାବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଗତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଏଇ ଗତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପାଇବା, ଯେ ଗତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ। ସୋ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ସମୟଟାକୁ ଯେମିତି ଯାଉଛି, ସମୟ ତ ସମାନ ଭାବରେ ଯାଉଛି, ସମୟ କେତେବେଳେ ପକ୍ଷପାତିଟା କରେ କି, ପାର୍ସିଆଲିଟି କରେ କି, ନା ଆଜି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି, କାଲି ସ୍ଲୋ ଯିବି, କାଲି ଟିକେ ଆହୁରି ରହିବି, ଟିକେ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ଯିବି, ଏମିତି ହବ କି ନା? ସମୟଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟଟା ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବରେ ବଦଳୁଛି। ସେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବେ ନେବା, ମାନେ ମନେକର ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ିକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିଲି ସେଇ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଶୂନ ବୋଲି ଭାବିବି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲି, ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଗୁଡ଼ା ନେବି ସେ ବ୍ୟବଧାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ମନେକର ଦେଖ, ଏଇ ଟେବୁଲ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସମୟ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠୁକୁ ମୁଁ ଶୂନ ବୋଲି ଧରିଲି, ଶୂନ ସମୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ବଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ବଡ଼ିଟା ଗତି କରୁଛି, ଗତି ଆଗରୁ ଗତି କରିକିରି ଆସିଛି ମନେକର, ବା ଏଇଠୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁ ସମୟରୁ ମୁଁ ଗଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେଇଠୁ ସମୟ ଜିରୋ ବୋଲି ଧରିବି, ସେଇଠୁ ସମୟ ବଢ଼ିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ନେବା, ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ନିଆଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ନେବା, ଦୂରତାଟାକୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ମିଟରରେ ନେଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶୂନ ଥିଲା, ଶୂନରୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା 2, 2 ପରେ ଆଉ 2 ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହବ 4, ପୁଣି 2 6 8 2 ଲେଖା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ତାମାନେ ସମାନ 2 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ନେଇଛେ। ସେଇ 2 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୂରତା କେତେ କେତେ ବଦଳିଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁ ଦୂରତା ଯେତେ ଯାଇନଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଶୂନ ଦୂରତା ବୋଲି ଭାବିବା, ତାପରେ ଦୂରତା କେତେ ଯାଇଛି 4, ତାମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ
चारिगला पुणी समय आउ दुई बढ़ला से दूरता केत बढ़ला चार समय आउ दुई बढ़ला दूरता पुणी बढ़ला चार देख सब दूरता चार 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 लेखा बढ़ी बढ़ी जाइए ना चार आठ बार षोह कोड़े चबीश अठाईस बतीस तेणु दूरता चार चार बढ़ी बढ़ी जाइए समय भी दुई दुई बढ़ी बढ़ी जाइए तेणु समय जमी सामान भाव में बढ़ी बढ़ी जाइए दुई लेखे दूरता सेमती सामान भाव चार लेखे बढ़ुच यही प्रकार गति को आम कह यूनिफर्म मोशन ता माने तार अर्थ कौन ताको जदि इंग्लिश रे आम लिखा द मोशन ऑफ ए बॉडी इज यूनिफर्म गोटे बॉडी रा मोशन टा यूनिफर्म हबो केते बेले व्हेन इट कवर्स व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट समान दूरता विस्थापन अतिक्रम करिवो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हला इक्वल डिस्प्लेसमेंट विदिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम समान समय व्यवधान रे ओडिया रे पढिचो पिला माने मन पकाओ समान समय व्यवधान रे गोटे वस्तु जदि समान दूरता अतिक्रम करूची ताहले से वस्तुर से गतिटा को आमे समांतराळ गति बा यूनिफॉर्म मोशन बोली कहबा द मोशन ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट बा इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोली कहि परबा इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विदिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम समान समय व्यवधान इंटरवल माने व्यवधान समान समय व्यवधान रे गोटे वस्तु यदि समान दूरता अतिक्रम करुचि ताहले से प्रकार गति को यूनिफॉर्म मोशन बोली कहिबा जानि होचि हला समान समय व्यवधान में समान दूरता अतिक्रम कले ताको हमें यूनिफॉर्म मोशन कहिबा से गति टाकु तार मोशन ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म लिखा गला व्हेन इट कवर्स इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जानिपारुच वर्तमान आम देखा नॉन यूनिफॉर्म क्या कहु समिति नॉन यूनिफॉर्म केत मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म गोटे वस्तुर गति टाक आम नॉन यूनिफॉर्म बोली कह जोबले से अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर असमान दूरता टाइम ड्यूरेशन टा समय व्यवधान समान भाव बढ़ी बढ़ी जाऊ दुई दुई चार दुई छः दुई आठ दस बार चौदह षोह अठर कोड़े एमती बढ़ी बढ़ी जाऊ किंतु दूरताटा असमान मन कर प्रथम ये गोटे उदाहरण खेल नहीं जावा सांगे सांगे जानपर मन कर प्रथम गला चार तापर गला मन कर छला मान दुई बढ़ला तापर मन कर चार बढ़ीगला दस है कि तापर बार हो गला कि तेर तीन बढ़ला तापर अठर हो गला तापर तीन बढ़ला एकोईस है तापर सात बढ़ला सब अठाईस देख असमान भाव बढ़ी बढ़ी जाइए दूरता बढ़वार दूरता अतिक्रम कर किसी गोटे निर्दिष्ट पैटर्न नहीं निर्दिष्ट धारा ना सामान व्यवधान में बढ़ुना जदि सामान व्यवधान में बढ़ता तेल आम यूनिफर्म मोशन बोली कह जोटा आम प्रिभस केस्रे अच्छी जदि सामान व्यवधान न बढ़ुचे बढ़ी बढ़ी चलती सामान व्यवधान में कितु बढ़ुनि असमान व्यवधान में बढ़ुची ताहले आम कह नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे क्लियर है बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट वेरी सिंपल गोटे बॉडी समान दूरता अतिक्रम कर समान समान दूरता बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट विदिन इक्वल टाइम इंटरवल से होगा यूनिफॉर्म मोशन बॉडी मोशन टा मैंने कह जदि बॉडी कवर करुची असमान दूरता अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट विदिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइम इंटरवल टा आम इक्वाली नवा समान व्यवधान में कि दूरता से भितर जदि समान व्यवधान में बढ़ला ताहले आम कह यूनिफॉर्म मोशन से गति को जदि असमान भाव में बढ़ला ताहले से नॉन यूनिफॉर्म मोशन फाइन नेक्स्ट आम देखा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन रे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कांसेप्ट कौन आम जान सो वेलोसिटी ऑब्वियसली आम जानचे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ताहले एटी वेलोसिटी केते केते हो आम देखि दबा
एक्सीलरेशन भी केत होवार के वेलोसिटी रो सिंबल ऑब्वियसली हम जानि छ डी वेक्टर एक्सीलरेशन टा कमे नउ छे ए वेक्टर स्मॉल हां ओके दुटा का स्मॉल ताले एटी वेलोसिटी केत होबो 4/2 वेलोसिटी केत होला 2 असिना ने यूनिट कोन होबो मीटर पर सेकंड यूनिट आसीबो मीटर पर सेकंड सिमिलरली सिमिलरली एठी त हम कैलकुलेट करबा डिस्प्लेसमेंट कवर होउची 8 टाइम केथ 0 रु स्टार्ट 0 रु डिस्प्लेसमेंट 8 0 रु डिस्प्लेसमेंट 4 सो 8/4 2 डिस्प्लेसमेंट एठी 12 6 2 16/8 2 सब जगह एठी 2 मीटर पर सेकंड आसीबो बुझि परछो हना ने तो जदि हम डिफरेंस भी नबा देखो डिफरेंस फर्स्ट ए दिन को डिफरेंस नियो डिफरेंस 8 आउ 4 भीतर डिफरेंस कते 8 माइनस 4 4 डिफरेंस 4 माइनस 2 2 4 मीटर 2 सेकंड तो रेशियो नहीं किबा 4 मीटर बाय 2 सेकंड हेला ना 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड तार मीनिंग अच्छा आउ गोटे डिफरेंस नियो देख मुझे आउ गोटे डिफरेंस नौ कौटू एट रु स्टार्ट करवा 24 पर्यंत सपोज सो 24 - 8 कौन पाई करूँ ये बर्तमान जानवा 24 - 8 है कि कत हम यहाँ सिमिलरली 24 - 8 24 डिस्प्लेसमेंट बड़े टाइम के 12 8 डिस्प्लेसमेंट टाइम के 4 12 - 4 मानो तो ये हला 16 मीटर ये हला 8 सेकंड तो वेलो डिस्प्लेसमेंट चेंज है लाती की टाइम चेंज है ती की ताले वेलोसिटी 8 ये भी है लाखों मीटर पर सेकंड ताले सबु समय व्यवधान रे जोठी भी देखिले बॉडी रो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आसुची ता माने एटा गोटे यूनिफॉर्म मोशन ताले यूनिफॉर्म मोशन रे आ गोटे कोन कंडीशन ता माने जानिले यूनिफॉर्म मोशन रे वेलोसिटी ता कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन रे जत बडे गोटे बॉडी रहिथिबो व्हेन ए बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन इट्स वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट ऑब्वियसली कांस्टेंट वेलोसिटी रे गोटे बॉडी गति करछ त माने कांस्टेंट स्पीड रे जाउछ घरु बाहरल 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे तमे थ्रू आउट जते डिस्टेंस हो जीवा कथा 10 किलोमीटर के 20 किलोमीटर सेति स्पीड रे जाउछ त माने तमे स्पीड बा वेलोसिटी टा एठी चेंज होउनी समान रहउछ त माने तमे यूनिफॉर्म मोशन करउछ जो बॉडी टा मोशन करउछ सेति स्पीड रे सेटा गोटे यूनिफॉर्म मोशन रे अछि हला वेलोसिटी कांस्टेंट रहिले आमे जानिबा यूनिफॉर्म मोशन बुझौछि ताले वेलोसिटी रो वर्तमान आमे फार्मूलाटा कोन जानले दीटा फार्मूला हि परिबो आबे जानि परछ स्टूडेंट्स फर्स्ट हि परिबो वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम এই যে ভেলোসিটিটা আসিব এই যে ভেলোসিটিটা আসিব এটাকে আমি কইবা এভারেজ ভেলোসিটি কি ভেলোসিটি কইবা এভারেজ ভেলোসিটি এভারেজ ভেলোসিটি হ্যাঁ সিমিলারলি আমি এই যে মাইনাস করি লিখুতলে এই দুজন ভিতরে এটা কোন কইবা डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेनी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम ये गोटे वेलोसिटी अछि ए वेलोसिटी टा को हमें कहिबा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पेलिंग टा को अंतर लिखो जी क्लियरली देखिबो पिला माने इन स्टांटानियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी केते बेला आसीबो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन हेले एवरेज माने ऑल टोटल पाथ बा फुल पाथ सारा बॉडी रो वेलोसिटी जति आसीबो आमे ताको एवरेज वेलोसिटी बोली कहिले किंतु प्रत्येक समय रे जे कोनोसी समय रे बॉडी रो वेलोसिटी केते सेटा को कहिबा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओडिया रे तार टर्म टा कहुछ अच्छा ए टेबल टा नोट डाउन करि छात्र हम वर्तमान लेबे दबा फर्दर टॉपिक हम पढिबा जेतु इंस एवरेज वेलोसिटी टा को हम एंति लिखो वी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टा को एमती वी आई एन एस टी ऑब्वियसली आर मार्क दबा तो एवरेज वेलो ओडिया रे एटा को कोन कहतले मन पका एवरेज वेलोसिटी टा को कहा जाए हारा हारी बेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टा को कहा जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टा को तात्क्षणिक बेग तात्क्षणिक वेग एवरेज वेलोसिटी होला डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होला कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इट होला एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम एटा हला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानि पारु छ हला हाराहारी बेग समुदाय रास्ता सारा जते डिस्टेंस कवर करिवो से टोटल रास्ता कवर कला बेले टोटल डिस्टेंस कवर कला बेले तार बेगटा केते आसीला समुदाय रास्ता रे 10 किलोमीटर गोटे दूरता जीव 10 किलोमीटर भितर तार हाराहारी बेगटा केते हाराहारी केते हिसाब कले किंतु प्रत्येक जगह रे देखिबा बेगटा कोन सेति किथिबो हला कि तो मन कर घरु बे बाहर लगाडी स्लो रे अछ 10 किलोमीटर पर आवर टिके आगे गल हटा बडीला 20 किलोमीटर पर आवर एनएच को गला बेले को से सेटा बडी के 20 टा 40 हे गला बा 50 हे गला बडीला 50 रे चलला पुन टिके 20 बाटर ट्रैफिक जाम हे जो हटा 50 टा 40 हे जो 30 हे जो तो नेम जो अप डाउन हे कि चालु छ हना नै मन कर केते बाट तुमे गलो सपोज दूरता दूरता कवर कल 20 किलोमीटर समय लागला 1 घंटा बेग केते स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर तारे 20 किलोमीटर पर आवर जदि स्पीड सेटा तार हाराहारी बेग अच्छा बाटो सारा कोन 20 किलोमीटर जाय छी नाही 20 किलोमीटर जीवा को ताको घंटा टेसना लागिला बाहरला हमर एवरेज स्पीड टा 20 किंतु सबुठी 20 नाही कोटी 20 कोटी 30 कोटी 40 इमती कम बेसी की जाइछ एवरेज सा ताको 20 लागिला एवरेज स्पीड तार 20 किलोमीटर पर आवर किंतु प्रत्येक जगह रे प्रत्येक समय रे जदी अलग अलग समय रे गाड़ी रो स्पीडोमीटर हम चेक करिक देखिबा सब जगह रे कोन 20 थिला ना सेई प्रत्येक समय रे केते केते स्पीड थिला सेई स्पीड टा बा सेई बेगटा होउछि तात्क्षणिक बेग सेटा को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोली कहिबा बुझ पारु छ हला तेणु गाड़ी रो स्पीडोमीटर जो बेग देखेबो सेटा होची तात्क्षणिक बेग इंस्टेंटेनियस स्पीड बा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किंतु आमे जदि रफली हिसाब करिबा ताको एतिक दूरता से कवर कला एतिक समय लागिला दूरता बाय समय से जो बेगटा बाहर जीव समुदाय दूरता बाय समुदाय समय सेटा हला हाराहारी बेग हला प्रत्येक समय रो बेगटा गाड़ी रो स्पीडोमीटर देखुथबो कोंटा रे किमा डिजिटल बी आसी गला सेटा होची तात्क्षणिक बेग जानि पारछो एति के हम जानिले एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम
तो एटा को s / t लिखि परबा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एटा कोन तात्क्षणिक वेग एवरेज ता हारा हारिबे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम डेल s / डेल t तो डेल s / डेल्टा s एटा कोइले कोन बुझछ हमें एटा एटा का एक्चुअली लिखि परबा मन करो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट थिला s1 तापर हला s2 s1 डिस्प्लेसमेंट थिला t1 समय रे s2 डिस्प्लेसमेंट हला t2 समय रे तर डिस्प्लेसमेंट चेंज के तहला चेंज फाइनल माइनस इनिशियल s2 माइनस s1 हला टाइम के त चेंज हला t2 माइनस t1 तले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रो सूत्र ढला एटा s2 माइनस s1 / t2 माइनस t1 जोटा डेल्टा s एटा को लिखिबा डेल्टा s बाय डेल्टा t जानि परछो बुझ परछो अच्छा यूनिफॉर्म मोशन पे वेलोसिटी टा कांस्टेंट हला जानि परछो कांस्टेंट तमन टाइम जेते चेंज होतले भी वेलोसिटी सेति की रहिबो एति को हमें जानिले एबे गोटे जिंस देखिबा पेला माने हमें जे जदी ग्राफ ड्रॉ करिबा मैथमेटिकली ग्राफ फ्रे पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिबा कहार डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का पाई यूनिफॉर्म मोशन पाई हमें ए सब ग्राफ ड्रॉ करिबा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन एमानकर ग्राफ रणिबा कहा सहित ग्राफ तो दिजन को भीतर लिया जइबो ना विथ टाइम टाइम सहित से माने केमिति परिवर्तन होचन केमिति वैरी करचन दैट ग्राफ वी विल ड्रॉ सी एटा रहला ग्राफ पेला माने देखो एस वर्सेस टी ग्राफ हमें कौन नोचे एस वर्सेस टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट आउ टाइम यूनिफॉर्मली वेरी करि करि जाउची ता माने समान भाव रे ये जेमिति वेरी करची ये ता सहित समान भाव रे वेरी करि करि जाउची तो जो डाटा तुम गोट गेज गोट टेबल करि के हमें लिखितले तमे जो ताकु ने कि ग्राफ पेपर रे प्लॉट भी करिवो ग्राफ तो देखो ए भली गोट सीधा गारा आसीबो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन दे कि पास करिवो ताहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ता व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एको कहिबा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कि ग्राफ पिला माने इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हालांकि बुझियो जी पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन देखियो बुझी पारलो अच्छा सब जगह रे वेलोसिटी समान थिला ने प्रत्येक जगह रे वेलोसिटी कांस्टेंट आस्तुला जो टेबल टाइम में नहीं चले सेथरे उदाहरण नहीं चले डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करले वेलोसिटी केते आस्तुला 2 मीटर पर सेकंड मन पडुची तो सब समय रे समय जोठी भी हमें नउथिले जो समय व्यवधान रे भी हम देखुतले सबोटी वेलोसिटी आस्तुला 2 मीटर पर सेकंड त माने वेलोसिटी कांस्टेंट रहुतला तले टाइम जेते चेंज करी करी गले भी वेलोसिटी गोटे कांस्टेंट वैल्यू रहुतला त माने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोन आसीबो पैरेलल टू टाइम एक्सिस मैथमेटिक्स रे ऑलरेडी जानिचो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ टा पैरेलल टू टाइम एक्सिस एटा को मोशन पई अच्छा एटा को मोशन पई पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मोशन पई हमर ए सब का पई यूनिफॉर्म मोशन पई वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस वी वर्सेस टी ग्राफ अच्छा अच्छा आ गोटे जिनस कहिथिली त्वरण बा एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन कोन जेमिति चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम हेले वेलोसिटी एक्सीलरेशन हबो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम माने परिवेगटा परिवर्तन हेले एक्सीलरेशन आसीबो आ पर एटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिटेल स्टडी करबा एक्सीलरेशन विषय रे स्टिल एठी हम किछटा कहि दउछे जे त्वरण केतेबेला आसीबो परिवेग बा वेगटा परिवर्तन हेले त्वरण आसीबो अच्छा हमर यूनिफॉर्म मोशन रे बेगोटा कांस्टेंट ना बेग स्थिर समान बेग रे जाउची बा सबुटी स्पीड गोटी स्पीड चेंज होउची होनी तमन स्पीड कांस्टेंट ताले चेंज इन स्पीड केते बुझि पाछ कोन कहउची स्पीड ता सबुटी समान ताले स्पीड रो चेंज ता केते जीरो सबुटी 2 रहउची 2 2 2 2 1 सेकंड रे 2 2 सेकंड रे भी 2 3 सेकंड 2 10 सेकंड रे भी से 2 ताले चेंज इन स्पीड केते समय रो व्यवधान रे सेई स्पीड रो चेंज केते 2 माइनस 2 सुन ताले एक्सीलरेशन नामे सूत्र नै थिले मन पकाओ एक्सीलरेशन थिला चेंज इन स्पीड बा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी सेम के नै परिबा बाय चेंज इन टाइम के डेल्टा सिंबल माने चेंज को बुझौछ
समय बेगर चेंज बाय समय चेंज अच्छा बेगर तो चेंज होनी तम बेग जी से तम चेंज टा के जीरो बाय समय जहाँ भी लगुव जीरो बाय समथिंग के पा मैंने जीरो आक्सेलरेशन टा जीरो क्वेश्चन आसे आक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन केते फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन जीरो यूनिफॉर्म मोशन पे वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन जीरो जीरो माने पॉइंट टा को देसु भाई ओरिजिन से पे एटी करी के हम राउंड अप करी पर ग्राफ टाइप जानि पाछो वेरी सिंपल ओके नेक्स्ट टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी सकते तथापि आउ थे लिखीद इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट विद एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एटा लिखि दियो हला कि व्हेन द बॉडी कवर जते बेले गोटे बॉडी कवर करूची अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट असमान दूरता बा विस्थापन विद एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइमटा सामान भाव में सामान व्यवधान में बढ़ी बढ़ी जाऊँ देख एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सामान व्यवधान किंतु वस्तुर दूरता अतिक्रांत दूरता असमान देख प्रथम अतिक्रम कला दुई तापर आठ मान छ बढ़ला आठ रु पुणी अठर है के बढ़ला दस सामान बढ़ला कि ये अलग ये अलग छ बढ़ला ये दस बढ़ला अठर रु बतीस पुणी अलग बढ़ला चौदह बढ़ीगला बतीस रु पचास पुणी अठर बढ़ीगला बुझिपार सब बढ़ी बढ़ी चलिए पचास रु बास्तरी कत बढ़ीगला बैश बढ़ीगला तेणु असमान भाव बढ़ी बढ़ी चलु जानपर ये नोट डाउन भी करदे छ बढ़ला तापर ये छ बढ़ला अठर रु आठ आठ रु अठर दस बढ़ला ये कत बढ़ला चौदह बढ़ला ये अठर बढ़ला तापर ये के बैश बढ़ला है कि ये के छई छबिश बढ़ला असमान भाव बढ़ी बढ़ी जाऊँ देख है बुझिपार किंतु तांकर जो बढ़ुच से बढ़ीवा भितर बढ़ीवाटा सामान अच्छी ये गोटे इंटरेस्टिंग कथा आसला देख जी बढ़ुची भितर परिवर्तनटा सामान छ बढ़ला दस बढ़ला चौदह बढ़ला अठर बढ़ला बैश बढ़ला छबिश बढ़ला छु दस के बढ़ला पे मैंने चार दस रु चौदह चार चौदह रु अठर चार अठर रु बैश चार बैश रु छबिश देखा भितर जो व्यवधान र्यवधान सी सामान भाव बढ़ुच्छे छाड़ ये जिनसा पर देख ये जिनसा कौन बर्तमान आम देख असमान दूरता अतिक्रम हो असमान सामान व्यवधान में बढ़ुना तेणु ये गोटे नन यूनिफर्म मोशन है ना जानपर चा गोटे नन यूनिफर्म मोशन नन यूनिफर्म मोशन टाक लिखिपर कौन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल समान समय व्यवधान रे असमान दूरता जाउछ ताले बेग केते हो स्पीड बा परिवेगटा केते डिवाइड कर दे छ देखो 2 / 1 2 8 / 2 4 तो 18 / 3 6 सबुटी तो हरि देके हम लिख दे छ सब मीटर पर सेकंड रे डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हला एक्सेलरेशन केते हो वेलोसिटी बाय टाइम सूत्र जानि छ वेलोसिटी रो सूत्र होउछि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एक्सेलरेशन रो सूत्र वेलोसिटी बाय टाइम हला वेलोसिटी रे टाइम हरि देले कोन हो देखो वेलोसिटी 2 हला इठे मु गोटे देखौ छी तापर तमे गोटे सब ऑटोमेटिकली जानि परियो टाइम एक हरि देले केता होची दुई ना हला एकी 4 / 2 2 6 / 3 2 8 / 4 2 दस बै पाँच दुई बार बै छः दुई चौदह बै सात दुई षोल बै आठ दुई अठर बै नौ दुई सबुठ एक्सिलेशन सामान यूनिफर्म मोशन रे कौन सामान होता यूनिफर्म मोशन रे वेलोसिटी सामान होता जो नन कि यहाँ जो नन यूनिफर्म मोशन स्टडी करुचे ये एक्सिलेशन सामान हो गला तेल यही मोशन टाक कह नन यूनिफर्म मोशन पे बहुत प्रकार अच्छे किंतु आमे जो नन यूनिफॉर्म मोशन स्पेशल तुम कोर्स पढ़ा यहाँ जो तार उदाहरण गोटे नहीं गुड़ा उदाहरण नहीं पारे
ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ସିଲିରେସନ୍ ସମାନ ରହୁଥିବ, ଆକ୍ସିଲିରେସନ୍ ସମାନ ଆକ୍ସିଲିରେସନ୍ ତ୍ୱରଣରେ ଯାଉଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ମୋସନକୁ, ସେ ପ୍ରକାର ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନକୁ ଆମେ କହିଲେ ୟୁନିଫର୍ମଲି, ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲିରେଟେଡ୍ ମୋସନ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ, ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲିରେଟେଡ୍ ମୋସନ। ଆକ୍ସିଲିରେସନ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲିରେଟେଡ୍ ମୋସନ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲିରେସନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେମିତି ଏସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟି, ଭି ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଡ୍ର କରିପାରିବା, ଏଠି ଦେଖ ଭେଲୋସିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭେଲୋସିଟିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ। ଦେଖ ଭଲ କି, ଭେଲୋସିଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସମାନ ଭାବେ ଯାଉଛି ନା, ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଦଶ ବାର ଦୁଇ ଲେଖା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଗ୍ରାଫ ଯଦି କରିବା, ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଗ୍ରାଫ, ଭି ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଗ୍ରାଫ। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଫ, ଏସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଗ୍ରାଫ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି ଗୋଟେ ଏଇ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ ପାଇଁ, ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ, ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ବା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା କି, ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ତାର ଏସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଏମିତି କର୍ଭ ହେଇକି ଉଠିବ, ତ ଏଇ କର୍ଭଟାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେପ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟାକୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଗ୍ରାଫ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ ବା ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି ରାଇଜିଂ କର୍ଭ, ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ପରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି, ଏକ୍ସ ପୋନେନ୍ସିଆଲ, ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି ରାଇଜିଂ କର୍ଭ କହିବା। ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନରେ, ଅଭିୟସ୍ଲି ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ ଗୋଟେ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ, ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ ଗୋଟେ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ, ଯେଉଁ ମୋସନରେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ଟାଇମ୍ କର୍ଭଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି ରାଇଜିଂ କର୍ଭ, ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି ରାଇଜିଂ କର୍ଭ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସିମିଲାରଲି ଭେଲୋସିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଭେଲୋସିଟିଟା ୟୁନିଫର୍ମଲି ଭାରି କରୁଛି, ଦେଖ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ମାନେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେମିତି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ତା ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ତ ତାକୁ ଯଦି ବି ପ୍ଲଟ୍ କରିବା ଭେଲୋସିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଟାଇମ୍, ତା ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଏଭଳି ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖ, ଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ପାରାମିଟର ବା କାରକ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା ହେଉଛି, ତାମାନେ ଚେଞ୍ଜଟା ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ରହିବ। ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ମିନ୍ସ ଏମିତି କଣେଇକି ଯିବ ଅରିଜିନ୍ ଦେଇକି, ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଅରିଜିନ୍, ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଟା। ୟୁନିଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଲା। ୟୁନିଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ, ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚେଞ୍ଜ, ସେଇଟା ତାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ କହିବା। ଭେଲୋସିଟି ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଭେଲୋସିଟି ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଆମର ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଲିରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାରାଲାଲ ହେଲା, ପାରାଲାଲ କେତେବେଳେ ଆସେ, ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ, ସେଇ ଭାଲ୍ୟୁଟା ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି, ଦେଖ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଗୋଟିଏ ଭାଲ୍ୟୁ, ତାର ମିନିଙ୍ଗ ଏଇଆ, ସେଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ହଁ ନା ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ, କାହାରଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍, ତେଣୁ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଏଇଆ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ ପାଇଁ ଏସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟି, ଭି ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଆଉ ଏ ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଗ୍ରାଫ୍ ଡ୍ର କର, ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଥିରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲେଇବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କଲି, ତେଣୁ ଏ ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଗ୍ରାଫ୍ଟା କେମିତି ରହିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭର୍ସେସ୍ ଟି ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଏ ଭର୍ସେସ୍ ଟି ପାରାଲାଲ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସିସ୍, ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଏ ପାରାଲାଲ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସିସ୍, ଜାଣିଛେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଥିରେ ଲେଖିଦେବା, ପାରାଲାଲ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସିସ୍, ଏଇଟା
ଇନ୍କ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲେ ଫାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ଏବେ ଇଜିଲି କହିପାରିବ ତ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ଏଟା କେବେ ବି ୟୁନିଫର୍ମ ନୁହଁ ୟୁନିଫର୍ମ ୱାର୍ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭାବିବୁନି ଏଟା ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ଯେଉଁ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ରେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ବୁଝଉଛି ହେଲା ତାହେଲେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଯଦି କରିବା ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ଜାଣିପାରୁଛ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ମାନେ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ମାନେ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତେ ବିସ୍ଥାପନ ରହୁଛି ଭେଲୋସିଟି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଭର୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ହେଲା ବା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବାଇ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭେଲୋସିଟି ବାଇ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ସମାନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମାନ ଦୂରତା ଯାଉଛି ତା'ମାନେ ଭେଲୋସିଟିଟା ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସମାନ ବେଗରେ ଯଦି ଯାଉଥାଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗତି କରେ ତାହେଲେ ସିଏ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ତା'ମାନେ ବେଗଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ବେଗଟା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ଆଉ କହିବାନି ହେଲା ତାହେଲେ ବେଗ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତା'ମାନେ ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ତ୍ୱରଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ବେଗ ବା ପରିବେଗ ଭେଲୋସିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କ'ଣ ଆସିବ ତ୍ୱରଣ ତାହେଲେ ତ୍ୱରଣଟା ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ପିଲାମାନେ ଥରଲି ପଢ଼ିବ ଯାହା ବୁଝାଯାଉଛି କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିବ ବାରମ୍ବାର ତେଣୁ ଥରେ କେବେ ଜାଣିପାରୁନ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରିପିଟେଡ୍ ପ୍ଲେ କରିକି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱାଚ୍ ଦେଖିପାରିବ କ୍ଲିଅର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ତ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ର ମେନ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ହେଲା ଅନ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଭର୍ କରିବ ଗୋଟେ ବଡି ୱିଦିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନଟା ସମାନ ଭାବେ ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବଡି ଅସମାନ ଦୂରତା କଭର୍ କରିବ ତ ତା'ର ଗୁଡ଼ାଏ କାଟାଗୋରି ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାଟାଗୋରି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେଉଁଟା କୋର୍ସରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ମାନେ ଏଇ ମୋସନ୍ରେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ଟା କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋସନ୍ ସବୁ କରିବା ସେଠି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ଟା କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ପରିବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ବା ତ୍ୱରଣଟା କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଇ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ର ପାଠକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା କମିଂ ଲେକ୍ଚର୍ରେ ଆମେ ଏହାର ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଛି ପଢ଼ିକି ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ କରିବା ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଶିଖିବା ତାପରେ ଆମେ ପାଠକୁ ଆଗେଇ ନେବା ତ ମନ ଦେଇ ଏତିକି ପଢ଼ିବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍